Welcome back friends in another very important video tutorial from Munich Life Sciences and today we will study about the structure of the mitochondria. जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम बनाओ आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्रकणिका, जो बहुत ही कम में हिंदी में भी ये बहुत कम यूज में लिया जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। जैसे हम सेल और सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनल्स होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, जिनका अर्थ होता है, माइटो का मतलब है थ्रेड, क्या है थ्रेड यानी धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल यानी कण। माइटो और कॉन्ड्रिया, धागा और कण, यानी सूत्र कणिका मतलब एक छोटे धागे की जैसे कण, छोटे छोटे धागों के जैसे कण दिखाई, यानी सूक्ष्मदर्शी को देखने पर ये छोटे छोटे धागों जैसे कण जैसे दिखाई दे रहे थे, तभी इनका नाम क्या पड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था एक साइंटिस्ट थे बेंडा, इन्होंने दिया था ये टर्म। कौन थे? बेंडा। इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या कार्य करता है? ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो आपको पता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं जो झिल्ली के द्वारा गिरे रहते हैं। और एक जो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में और प्रोकैरियोट्स के अलावा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात कर तो ये कार्य, इसको आपको पता होगा जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि इसको कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज का शोषण करता है। अब देखो शोषण तो आपने सोचा होगा सांस लेना होता है, लेकिन शोषण वो नहीं होता। शोषण का मतलब होता है ग्लूकोज का बर्निंग करना यानी ग्लूकोज का दहन करना। तो ग्लूकोज का दहन कहां पर होता है? प्रत्येक कोशिका में होता है, और वो भी कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी हम क्या कर रहे हैं, ईंधन तो ले लेते हैं, यानी ईंधन, ईंधन क्या है, अपना भोजन जिसमें ग्लूकोज होता है, फैट होती है, और लेकिन उनकी बर्निंग कहां पर की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में उसका दहन नहीं किया जाएगा यानी शोषण नहीं किया जाएगा, यानी एटीपी का निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी ये क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करके क्या बना देता है, एटीपी बना देता है, और साथ में CO2 निकल जाती है, एटीपी का निर्माण करता है। तभी इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस, यानी ये एक चूल्हा है अपनी कोशिका का। चूल्हे में क्या करते हैं, हम लकड़ियां जलाते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, ग्लूकोज को जलाता है और उससे एनर्जी देता है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। और एटीपी को ही हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज कितना ही खा लो, जब तक ग्लूकोज का बर्निंग इसमें नहीं होगा हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी मैं एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाया, पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, ग्लूकोज की बर्निंग करता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि ये नहीं होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन, यानी ग्लूकोज का दहन करके क्या बना देता है, एटीपी, और साथ में हमें क्या मुक्त हो जाती है, CO2 मुक्त हो जाती है। अब बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो इसकी संरचना के बारे में देखते हैं तो ये हमें सूत्रकणिका यानी छोटे धागे के रूप में दिखाई देता है। ये जूते के समान भी दिखाई देता है, देख सकते हो आप, जूते के समान ही स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। अब देखो ये जो क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल ऐसा होता है जो डबल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत होता है, यानी दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत मेम्ब्रेन हो सकता है। तो इसमें आप दो डबल मेम्ब्रेन देख सकते हो, ये तो है बाहरी मेम्ब्रेन, यानी इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इसके अंदर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही होगी जो अंतर्वलित है, यानी बहुत सारी फोल्डिंग हुई हुई है इसमें, उसको बोलते हैं हम, ब्लू कलर वाली है उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये, इनर मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, द्वि मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत सेल ऑर्गेनल है। अब ये डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह और बच गई, दोनों झिल्लियों के बीच में भी कुछ जगह बच गई, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
तो इन दोनों के बीच में भी एक जगह रहती है दोनों झिल्लियों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, जिस पर कोई भी फोल्डिंग वगैरह नहीं होती, कोई भी कण वगैरह नहीं जुड़े रहते हैं। कभी कभार हो सकता है ये क्या होती है जो आउटर मेम्ब्रेन, कभी कभार जो अंतरपटलीय जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रह सकती है। लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर देखो आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल आपको स्मूथ दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन देखो अंदर की तरफ किस प्रकार से अंतर्वलित है, फोल्डिंग कर रही है। तो ये क्या होती है इनर मेम्ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ज्यादा यदि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे वर्किंग पार्ट देखो तो क्या होती है इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वही इसके ज्यादातर काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना देखो अंदर की तरफ कैसी रहती है इनफोल्डिंग। अभी जब अंदर की तरफ फोल्डिंग करती है तो अंदर उभार बन जाते हैं, कुछ बन रहे हैं उभार, इन उभारों को हम क्या कहते हैं क्रिस्टी, क्या कहते हैं क्रिस्टी, ये क्या बन गए क्रिस्टी। अब इन क्रिस्टी के ऊपर यदि हम एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें, एक क्रिस्टी की स्ट्रक्चर देखें, तो क्रिस्टी की स्ट्रक्चर भी हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। क्रिस्टी के मान लो हमारे पास ये है कोई क्रिस्टी है, ये कोई उभार है, ये कोई उभार है, इस उभार में भी हम देखें तो इसमें हमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर छोटे छोटे कण लगे हुए दिखाई देंगे इस प्रकार से, गुंडीनुमा इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यदि हम इसकी क्रिस्टी की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो अंदर की तरफ अंतर्वलित है इसको यदि हम जूम करके देखें तो हमें इस प्रकार की बहुत छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देंगी, और अंदर भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती है इसमें, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स इसमें होते हैं जिनका क्या कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना। हमें पता है यदि आपने, मैंने इससे पहले आपको रेस्पायरेशन वाले जब हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी में, तो रेस्पायरेशन में मैंने बताया था कि श्वसन के दौरान क्या होता है ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहां पर चलता है यहीं पर चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और ये क्या होते हैं जो उभार है इनको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं एटीपी का निर्माण करते हैं, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं यानी प्रारंभिक कण भी बोलते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन पे जो क्रिस्टी है उसकी संरचना देखें। अब देखो ये भी रीजन है कि ये अंतर्वलित क्यों रहती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है बहुत ज्यादा वर्किंग होती है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन क्या करते हैं वो प्रोटीन ये ईटीएस वगैरह रेस्पायरेशन में जब किसका निर्माण होता है एटीपी का निर्माण होता है, वो सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के द्वारा। तो जितनी बड़ी इनर मेम्ब्रेन होगी हमारे पास उतना ही ज्यादा उसकी उत्पादकता होगी, उतना ही ज्यादा वो रेस्पायरेशन कर सकता है। तो इनर मेम्ब्रेन जितनी बड़ी होगी तो हम क्या कर सकते हैं छोटी सी जगह में कोई बड़ी चीज किस प्रकार से समा सकते हैं, उसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं उसको अंतर्वलित करके, इसी कारण ये अंतर्वलित होती है यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब ये अंतर्वलित हो जाती है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब देखो इनर ये तो हो गई इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में हमने देख लिया इस प्रकार की क्रिस्टी बनी होती है, और क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम एटीपेज भी बोलते हैं, एटीपेज पंप भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करते हैं इसलिए इनको एटीपेज पंप भी बोलते हैं। इसके बाद में हम देखें अंदर की तरफ, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड सा दिखाई दे रहा होगा, इस लिक्विड को कहते हैं हम मैट्रिक्स, यानी जेल के समान ये लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के जेल जिसमें कण अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम सिस्टम बहुत बड़ा होता है क्योंकि एंजाइम्स का ही तो काम होता है इसमें, क्रेब्स साइकिल इसमें चलता है, रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है इसमें, तो बहुत प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन लिपिड वगैरह इसमें पाए जाते हैं क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन भी इसी में होता है। और क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पर देखो यहाँ पर इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है, क्या खुद का डीएनए भी पाया जाता है। नॉर्मली तो कोई भी सेल ऑर्गेनल में इस प्रकार का डीएनए नहीं पाया जाता, लेकिन दो ही सेल ऑर्गेनल, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, जिसकी स्टडी भी हम करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस यानी अपना डीएनए, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर,
वृत्ताकार डीएनए होता है और कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और बात करें इसमें साथ में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, यानी खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, यानी खुद का डीएनए भी पाया जा रहा है, खुद का राइबोसोम्स भी पाए जा रहे हैं, मतलब ये खुद की प्रोटीन यानी खुद के कुछ एंजाइम बना सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ प्रोटीन्स के लिए क्या है, केंद्रक पर भी निर्भर करते हैं, तो केंद्रक में भी इसके कुछ जीन पाए जाते हैं। तो मतलब कुछ हद तक तो ये अपनी प्रोटीन्स खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास खुद का जीनोम है, खुद का डीएनए है, और डीएनए कैसा होता है, इसका वृत्ताकार और द्विसूत्री डीएनए होता है। तो इस प्रकार का इसका डीएनए होता है, वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए, ये इस प्रकार का वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए होता है। तो ये वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए इसमें पाया जाता है। और बात करें हम इसमें राइबोसोम्स खुद के पाए जाते हैं, तो इसके आरएनए भी पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स भी तो किससे बना होता है, राइबोसोम्स आरएनए से मिलकर बना होता है, तो इसमें खुद के आरएनए भी पाए जाते हैं, टीआरएनए भी पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। और हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जनन कैसे होता है, खुद का जीवा जनन कैसे होता है, तो ये बैक्टीरिया जिस प्रकार से विभाजन करता है, द्विखंडन करता है, उसी प्रकार से ये भी द्विखंडन करता है। तो कई अलग अलग थ्योरीज बताई गई कि इसका बायोजेनेसिस कैसे होता है। तो कई बार कई साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि ये विखंडन करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है, और कई बार बताया गया कि ये क्या करता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी झिल्लियों से या वेसिकल्स से इसका निर्माण होता है। तो अलग अलग थ्योरीज इसके लिए दी गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। और हम बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल से समानताएं दर्शाता है। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाते हैं। यानी ये क्या थे, कोई समय में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, यदि इसमें समानता देखें तो इसका डीएनए कैसा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा डीएनए है, इसमें जनन भी प्रोकैरियोटिक जैसा होता है, इसमें राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं, और कैसे होते हैं राइबोसोम्स, 17 इस प्रकार के राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। इसमें यदि हम इसके डीएनए की साइज देखें, तो मानव में इसकी डीएनए की साइज होती है 16.6 किलो बेस पेयर, और यदि ईस्ट में बात करें तो इसमें 70 किलो बेस पेयर इसकी साइज होती है। अलग अलग साइज होती है अलग अलग स्पीसीज में डीएनए की साइज। तो ये कुछ इसमें समानता है किससे दर्शाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। तो एंडोसिम्बायोटिक वाला लेक्चर देखना, मैंने बनाया आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या बताया था कि ये क्यों समानता है दर्शाते हैं, और ये थ्योरी किसने दी थी, मार्गुलिस ने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी। यानी ये दो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाते थे, इसका मतलब ये कोई समय में प्रोकैरियोटिक कोशिका थे और बाद में ये दूसरी सेल में इंसर्ट कर गए। तो ये थी हमारी संरचना किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये बहुत ही आसान संरचना है, मैंने कार्य बताया आपको, कार्य पता होना चाहिए, पावर हाउस है, यानी ये ग्लूकोज का दहन करता है। तो ये इसका जब कार्य आपको समझ में आएगा तो आप इसके बारे में आसानी से वर्णन कर पाओगे। ये डबल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत होता है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड किए होता है, तो आप इसके बारे में आसानी से, बहुत सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।